नेक्स्ट नाइन न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नेहा। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लिए नालंदा उनकी जन्मस्थली या कर्मभूमि नहीं रही, लेकिन यहां से उनका बहुत पुराना नाता है। अस्थावा प्रखंड के ओदा गांव में पैतृक घर हैं जो आज भी मौजूद हैं, मगर जीर्ण शीर्ण अवस्था में। पुश्तैनी घर खंडर बन चुका है। ग्रामीण बताते हैं कि उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई और ना ही कभी वो गांव आए, लेकिन हमारे पूर्वज बताते थे कि वो यहीं के निवासी हैं। इस तरह के योग्य व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने का मौका मिलता है तो गौरव की बात होगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में वे वित्त मंत्री थे और उनके ही प्रयास से बिहार शरीफ से शेखपुरा के लिए एक रेल लाइन बनाई गई थी जो ओदा गांव होते हुए गुजरी रही है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त रेल मंत्री थे। ये उन्हीं की देन है कि उनके गांव ओंदा से रेल लाइन गुजर रही है। अधिकारी जिसका 75% काम पूरा हो चुका है, आईएएस अधिकारी रहे यशवंत सिन्हा ने 1984 में प्रशासनिक सेवा छोड़ दी थी, जनता पार्टी में शामिल हो गए। जनता पार्टी के नेता चंद्रशेखर उन्हें पसंद करते थे। सिन्हा ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के प्रधान सचिव के रूप में भी काम किया था। 1988 में राज्यसभा के सदस्य बने थे। कई कामयाबियों से गुजरते हुए यशवंत सिन्हा अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच की जंग तेज हो चुकी है। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा नाम घोषित किया गया। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि यशवंत सिन्हा का नालंदा से क्या रिश्ता है। भले ही नालंदा उनकी जन्मस्थली या कर्मभूमि नहीं रही हो, लेकिन यहाँ से उनका बहुत पुराना नाता है। नालंदा में यशवंत सिन्हा का पुश्तैनी मकान है। दरअसल यशवंत सिन्हा का पुश्तैनी घर नालंदा जिला के अस्थावा प्रखंड अंतर्गत ओंदा गांव में है, जो आज भी मौजूद है, लेकिन आज यह मकान जर्जर अवस्था में है। मकान की हालत देखकर कहना गलत नहीं होगा कि यशवंत सिन्हा शायद ही यहाँ आए होंगे। ग्रामीण भी कहते हैं आज तक कभी भी यशवंत सिन्हा यहाँ पर नहीं आए और ना किसी से मुलाकात की, और कभी वो इस गाँव में आए भी नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे पूर्वज बताते थे कि यशवंत सिन्हा के पूर्वज यहीं के निवासी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भले ही 3-4 पीढ़ी पहले ही यशवंत सिन्हा के पूर्वज गांव से जा चुके थे, लेकिन सत्ता में रहने के दौरान यशवंत सिन्हा कभी इस गांव को भूले नहीं। इस तरह के योग्य व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने का मौका मिलता है तो हमारे साथ साथ सभी देशवासियों के लिए गौरव की बात है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में वे वित्त मंत्री थे और उनके ही प्रयास से बिहार शरीफ हुए गुजरी से शेखपुरा के लिए एक रेल लाइन बनाई गई थी जो कि ओंदा होते हुए गुजरी। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त रेल मंत्री थे। इसी के साथ बताते चलो, यशवंत सिन्हा के बारे में अपने पूर्वजों से सुना था, जब वो आईएएस बने तो उनके गांव में उनके नाम पे जो जुबान पर नाम रहता था। इस बीच में आपको बता दूं कि यशवंत सिन्हा के बारे में इसलिए बातें की जा रही हैं क्योंकि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़े हुए हैं और चंद्रशेखर सहित कई विपक्षी नेताओं ने 1989 के संसदीय चुनाव में कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए जनता दल के गठन के लिए हाथ मिलाया। बाद में सिन्हा ने अपने राजनीतिक गुरु की राह पर चलते हुए वीपी सिंह सरकार को गिराने के लिए जनता दल को तोड़ दिया था। अपनी मेहनत के दम पर यशवंत सिन्हा ने बुलंदियों को छुआ। अब किन्नी मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कभी में दुमका के जिलेकारी थे, वहीं अब विपक्ष ने राष्ट्रपति पद को उम्मीदवार घोषित किया है। संयुक्त विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। मंगलवार को इस ऐलान से पहले यशवंत सिन्हा ने टीएमसी की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। यशवंत सिन्हा केंद्रीय वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
1984 में प्रशासनिक सेवा त्यागने के बाद यशवंत सिन्हा ने जनता पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। जनता पार्टी से जनता दल और फिर भाजपा तक का सफर तय करने वाले यशवंत सिन्हा 3 बार लोकसभा सांसद रहे। साल 2018 में यशवंत सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 2021 में वह ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। साल 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान यशवंत सिन्हा ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया था। तब उन्होंने बताया था कि उनकी कुल संपत्ति करीब 3,65,00,000 रुपये है। अपने हलफनामे में यशवंत सिन्हा ने तब बताया था कि उनके पास फोर्ड की एंडेवर, महिंद्रा स्कॉर्पियो और मारुति वैगन आर जैसी गाड़ियां हैं। इसी बीच में बताते चलूं आपको कि यहां हमने आपको यशवंत सिन्हा के संपत्ति के बारे में बात की है। और यशवंत सिन्हा पहले बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार होते रहे हैं। वो संघ के भी खासे नज़दीकी रहे। अटल आडवाणी युग में वो सेंट्रल टीम के अहम लोगों से एक थे। अटल बिहारी वाजपेयी उनकी प्रशासनिक क्षमता के कायल थे, वहीं आडवाणी भी उन्हें काफ़ी पसंद करते थे। लेकिन मोदी युग के शुरू होने के साथ ही यशवंत के सितारे गर्दिश में आने शुरू हो गए। दूसरे सीनियर नेताओं की तरह से वे उन्हें भी हाशिए पर ला दिया गया। पहले टिकट से इनकार हुआ, फिर पार्टी की अहम बैठकों से वो नदारद रहने लगे। उन्होंने मोदी शाह के खिलाफ तीखी बातें कही। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उन्हें भी बीजेपी के बागी के तौर पर देखा जाता है। हालांकि ये भी एक संयोग है कि दोनों को नया जीवन ममता बनर्जी ने ही दिया। यशवंत को राज्यसभा भेजा तो शत्रुघ्न को लोकसभा चुनाव जितवाया। हालांकि उनके अपने बेटे जयंत को उनकी बगावत का अच्छा खासा दाम चुकाना पड़ा है। मोदी 2 में उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हाल फिलहाल में वो किसी अहम भूमिका में नहीं है। राजनीतिक हलकों में माना जाता है कि यशवंत की जुबान का तीखापन जयंत को ले डूबा। जाहिर है कि जयंत अभी 2 पार्टियों के बीच में फंसे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी जिन्हें उन्हें 2 बार सांसद बनाया, तो मोदी के पिछले कार्यकाल में वो मंत्री भी रहे। राज्य मंत्री के तौर पर वित्त और सिविल एविएशन जैसे अहम महकमे उन्हें संभालने को दिए गए। दूसरी तरफ उन्हें विपक्ष ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना मैदान में उतार दिया। उनके लिए दुविधा की स्थिति है, लेकिन जयंत सिन्हा ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने जयंत को तगड़ी नसीहत दी। आदित्य वर्मा ने लिखा कि ये पारिवारिक ड्रामा यहाँ ना करें। क्या हम नहीं जानते कि आप अपने पिता की इज्जत करते हैं कि नहीं, तो जनता का क्या करेंगे। आप एक निकम्मे सांसद और बेटे हैं, आपसे यही अपेक्षा है। सौरभ रॉय ने उनसे पूछा कि आप आदरणीय पिताजी के समर्थन में रहेंगे या विरोध में रहेंगे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।